वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टूथ नंबरिंग सिस्टम पर तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम, ज़िगमंड पाल्मर नोटेशन सिस्टम पर जो है डिटेल के साथ गुफ्तगू की थी, और आज का जो हमारा लास्ट टूथ नंबरिंग सिस्टम पर जो टॉपिक है वो है FDI नंबरिंग सिस्टम। FDI नंबरिंग सिस्टम को इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, और FDI स्टैंड फॉर फेडरेशन डेंटेयर इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो है हमारे पास 2-डिजिट सिस्टम होता है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होता है वो क्वाड्रेंट नंबर को इंडिकेट करता है। जो हमारे पास बेबी टीथ होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, प्राइमरी टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, तो इनमें जो क्वाड्रेंट होता है वो 5, 6, 7 and 8 से जो है उसको इंडिकेट किया जाता है। जबकि जो परमानेंट टीथ है उनमें जो है फिर हम क्वाड्रेंट 1, 2, 3 and 4 का इस्तेमाल करते हैं, जो नेक्स्ट हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो दूसरा डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट ने तो क्वाड्रेंट को शो किया, जो सेकंड डिजिट होगा वो टूथ नंबर को, दांत के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसी क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब जो है हम इस सिस्टम को प्राइमरी टीथ के लिए और परमानेंट टीथ के लिए अलग-अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं प्राइमरी डेंटिशन सिस्टम को। तो अभी हम जो है प्राइमरी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी में हमने जो है कहा था कि हमने एक बात आपको बताता चलूं कि FDI इस नंबरिंग सिस्टम में और पाल्मर सीरीज के अंदर जो है किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो बस सिर्फ और सिर्फ FDI में क्या होगा कि हमने जो है क्वाड्रेंट का नंबर साथ मेंशन करना है, और पाल्मर के अंदर ये काम नहीं है। तो बच्चों के दांतों की अगर हम बात करें तो बच्चों के दांतों में जो है हम 5, 6, 7, 8 क्वाड्रेंट को नंबर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपर राइट क्वाड्रेंट है उसको हमने 5 नंबर दिया, जो अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है उसको हमने 6 नंबर दिया, जो हमारे पास लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट है उसको हमने 7 नंबर दिया, और जो हमारे पास लोअर राइट क्वाड्रेंट है उसको हमने 8 नंबर दिया। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जितने भी नंबरिंग सिस्टम है तीनों के तीनों, उनमें हमारा जो सीरीज होगी वो सीरीज क्या होगी, अपर राइट से लेके अपर लेफ्ट, फिर लोअर लेफ्ट से स्टार्ट करके लोअर राइट पे एंड होगी। ये हमारे पास अपर राइट से स्टार्ट होगी तीनों के तीनों सिस्टम के अंदर, और अपर लेफ्ट पे एंड होगी जो हमारी नंबरिंग सिस्टम होगा उसकी जो सीक्वेंस होगा, और लोअर के लिए क्या होगा कि लोअर लेफ्ट से स्टार्ट होगा और लोअर राइट पे एंड होगा। तो ये जो है रूल सब के लिए है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ये जो 5 नंबर है, ये नंबर ऑफ क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट को जाहिर कर रहा है, और ये जो हमारे पास नंबर 1 है ये हमारे दांत के नंबर को जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास आपने जो है इसको 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 पढ़ना है, 51, 52, 53 इज रॉन्ग, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना। इसी तरह 6 नंबर जो है ये फर्स्ट डिजिट है, ये शो कर रहा है क्वाड्रेंट को, और ये जो सेकंड है ये दांत को जाहिर कर रहा है। इसको भी आपने 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 पढ़ना है, 61, 62, 63 इज रॉन्ग। सिमिलरली इसी तरह 7-1, 7-2 and 8-1, 8-2 and up to so on। तो ये हमारे पास जो है एक ओवरव्यू है प्राइमरी डेंटिशन का। पिक्चर में भी आपको इसकी क्लियर जो है पिक्चर नजर आ रही होगी कि किस तरह से हमने जो इसको क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है हम बात कर लेते हैं परमानेंट डेंटिशन की। अब हम बात करते हैं परमानेंट डेंटिशन के लिए FDI नंबरिंग सिस्टम का क्या रूल है। रूल वही सेम है, पाल्मर की तरह है, सीरीज आपकी पाल्मर की तरह, जो दांतों की जो नंबरिंग होगी वो बिल्कुल आपके पाल्मर सीरीज की तरह होगी। अगर आपने पाल्मर सीरीज नहीं देखा तो पहले पाल्मर सीरीज देख लें, फिर आपका FDI सिस्टम समझ आएगा। तो इसमें जो है हमने पाल्मर सीरीज की तरह प्राइमरी टीथ को और परमानेंट टीथ को 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट के अंदर। पाल्मर सीरीज के अंदर हमने जो है क्वाड्रेंट्स के नंबर मेंशन नहीं किए थे, बस जस्ट हमने उनको क्वाड्रेंट देकर उसमें जो है 8-8 दांत रख दिए थे परमानेंट के लिए। लेकिन FDI ने क्या किया कि FDI ने जो है हर क्वाड्रेंट को अपना अपना नंबर दे दिया। पिछली इसमें जो है हमने
प्राइमरी के लिए पढ़ा है कि उसमें जो है 5, 6, 7, 8 था, उसने जो है अपर राइट को क्वाड्रेंट 1 दिया, अपर लेफ्ट को क्वाड्रेंट नंबर 2 दिया, अपर लोअर लेफ्ट को जो है फिर उसने क्वाड्रेंट नंबर 3 दिया और लोअर राइट को उसने क्वाड्रेंट नंबर 4 दिया। सेम वही रूल, जो फर्स्ट डिजिट होगा ये आपके क्वाड्रेंट को जाहिर करेगा, जो सेकंड डिजिट होगा ये आपके टीथ को जाहिर करेगा। तो इसमें मिसाल के तौर पर जिस तरह से 1, 5 है, इसमें जो ये 1 है ये आपके क्वाड्रेंट को जाहिर करेगा, ये जो 5 है ये आपके दांत को जाहिर करेगा। ठीक है, वही सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, केनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन नशीन रखनी है। और एक और बात, आपने इसको जो है 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिस इज रॉन्ग, इसको आपने पढ़ना है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 इसी तरह 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है, इस तरह आपने जो है इसको काउंट करना है, क्योंकि जब आप इसको 21, 22, 23 या 7, 18, 1, 2, 15 ये अगर आपने इस तरह की काउंटिंग स्टार्ट कर दी, तो हमने यूनिवर्सल में पढ़ा था, यूनिवर्सल में फिर जो है वो थर्ड मोलर में उसको 1 कंसीडर करता है और फिर 16 तक चला जाता है। तो फिर इसी तरह जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है 17 से फिर 32 तक। तो जब आप 21, 22, 23 तो फिर वो या तो सोचेगा कि जी ये पता नहीं कौन से उसकी बात कर रहा है, किस दांत की बात कर रहा है, तो ये जो है उसमें फिर कन्फ्यूजन आ सकती है। तो सबसे जो ईजीएस्ट है वो है पाल्मर सीरीज। तो ये हमारे पास जो है परमानेंट डेंटेशन का एक ओवरव्यू था। ठीक है, याद रखिएगा मैंने पीछे भी बताया आपको कि आपके पास 2 आर्चेज होती हैं और 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट। ठीक है, तो आपने नंबरिंग सिस्टम अपर राइट से स्टार्ट करनी है और अपर लेफ्ट पे एड करनी है मैक्सिला के लिए। मैंडिबल के लिए आपने लोअर लेफ्ट से स्टार्ट करनी है और लोअर राइट पे एंड कर देनी है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। ठीक है, तो एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो बच्चों के दांत थे उसमें हमने जो है 5, 6, 7 and 8 रखा था, जबकि हमारे पास जो है परमानेंट टीथ है उनको हमने क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 and 4 दिया है। ठीक है, तो पाल्मर और एफडीआई में जो है क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है, पाल्मर में जो है क्वाड्रेंट नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन एफडीआई ने जो है हर क्वाड्रेंट को अपना अपना नंबर दिया। तो हमारा टूथ नंबरिंग सिस्टम जो है वो 3 हमारे पास नेशनल सिस्टम थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।